हेलो फ्रेंड्स मैं अनन्या आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एन एन अकेडमी में आज हम बात करने वाले हैं गीता हरि अरन की जो कि हमारी इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर हैं जो भी हमारे फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं जो भी हमारे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी तो फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने कई राइटर्स एंड पोर्ट्स पे वीडियो अपलोड की है आप चाहें तो उन्हें प्ले में जाकर देख सकते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो गीता हरिहरन इज एन इंडियन राइटर एंड एडिटर बेस्ड इन न्यू दिल्ली गीता हरिहरन एक इंडियन राइटर और एडिटर थी न्यू दिल्ली में स्थित नेक्स्ट पॉइंट गीता हरिहरन वॉज बॉर्न इन नाइनटीन इन कोयमबटूर इंडिया शी वॉज रेज्ड इन तमिल ब्राह्मीन फैमिली इन बॉम्बे एंड मनीला विद टू सिबलिंग्स गीता हरिहरन का जन्म नाइनटीन में कोयम्बटूर भारत में हुआ था और इनका पालन पोषण एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुआ था मनीला और बॉम, बॉम्बे में उनके दो भाई बहनों के साथ नेक्स्ट हर फादर वॉज जर्नलिस्ट फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड फाउंडर एंड पब्लिशर ऑफ़ द इकनॉमिक टाइम्स उनके फादर टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार थे और फाउंडर एंड पब्लिशर भी थे द इकनॉमिक टाइम्स के नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग हर चाइल्ड हुड शी वॉज इनक्रेज टू रीड एंड सी शी स्टडिड कर्नाटक म्यूज़िक अपने बचपन के दौरान उन्हें पढ़ने लिखने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया गया और उन्हें कर्नाटक संगीत भी सीखा नेक्स्ट पॉइंट शी कम्प्लीटेड अ बी ए इन इंग्लिश लिटरेचर फ्राम बॉम्बे यूनिवर्सिटी नाइनटीन सेवेंटी फ़ोर एंड एन एम ए इन कम्युनिकेशन फ्रॉम फेयरफील्ड यूनिवर्सिटी इन्होंने अपना बी ए इंग्लिश लिटरेचर से कम्प्लीट किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी में नाइनटीन सेवनटी फ़ोर में और एम ए कम्युनिकेशन से कम्प्लीट किया फेयर फील्ड यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट पॉइंट नाइनटीन टू 1984 हरिहरन वर्क हर एज एन एडिटर इन मुंबई चेन्नई एंड न्यू दिल्ली ऑफिस ऑफ ओरिएंट लॉगमैन 1979 टू 1984 तक ओरिएंट लॉगमैन के चेन्नई मुंबई और न्यू दिल्ली के ऑफिसिज में इन्होंने एज एडिटर वर्क किया ओरिएंट लॉगमैन क्या है ये एक इंडियन पब्लिशिंग हाउस है जिसका जो है वो हैदराबाद में है नेक्स्ट पॉइंट

एटलांटिक कम्पेनियन टू लिटरेचर हरिहरन वर्क्स बिलोंग टू देनिसेंस ऑफ इंडो इंग्लिश लिटरेचर एटलांटिक कम्पेनियन के अकॉर्डिंग जो हरिहरन के वर्क्स थे वो इंडो इंग्लिश लिटरेचर के रेनिसेंस यानी पुनर्जागरण से संबंधित थे नेक्स्ट पॉइंट हरिहरन पब्लिश हर फर्स्ट नॉवल द थाउजेंड फेसिस ऑफ नाइट इन नाइनटीन नाइनटी टू अकॉर्डिंग टू मीनाक्षी भरत दिस बुक क्वेश्चन द कन्फाइनिंग कोर्ट ऑफ पेटर की एंड ब्रिंग टू लाइट द सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज फॉर ऑफ थ्री जनरेशन ऑफ वूमेन हरिंग का पैरा नावल पब्लिश हुआ द थाउजेंड फेसिस ऑफ नाइट इस पर इस पर मीनाक्षी भरत कहती हैं इस बुक के बारे में कि ये एक ऐसी बुक है जो पेट्रेयारकी पर सवाल उठाती है और ये बताती है कि वुमेंस की तीन जनरेशन आ, कैसे जीवित रह सकती है उस स्ट्रैटेजी वो बताती है उस पर प्रकाश डालती है नेक्स्ट पॉइंट देन शी शी देन पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी द आर्ट ऑफ डाइंग इन 1993 1993 में इन्होंने द आर्ट ऑफ डाइंग शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है यह पब्लिश किया नेक्स्ट पॉइंट इन हर नॉवल वन ड्रीम्स ट्रैवल नाइनटीन नाइनटी नाइन हरिहर अरेबियन नाइट विद शहरजादे एंड हर सिस्टर एज एन प्रोटोकॉनिस्ट अपनी नावल लिखी इन्होंने एक वन ड्रीम्स ट्रैवल जिसमें इन्होंने दोबारा से अरेबियन नाइट्स में सहरजादे और उसकी बहन को प्रोटोकॉनिस्ट बनाया और दोबारा से कहानी बताई नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू हरिहरन हर इंटरेस्ट एज एन राइटर वॉज नॉट

नॉन फिक्शन एसेज फ्राम इंडिया टू पेलस्टीन एसे इन सोलडिटी वॉज पब्लिश एंड इंक्लूडेड एसेज बाई हर सेल्फ मीना अलेक्जेंडर एजाज अहमद रितु मैनन एंड मीना मीना द्वारा टाइप हो गया आई थिंक नैन तारा सहगल इन्होंने अपने नॉन फिक्शन एसेज एडिट वॉल्यूम को एडिट किया टू थाउजेंड फोर्टीन में आ, जो कि इंडिया टू पेलस्टीन तक चले आ, और एक बार और समझ लीजिए इस पॉइंट को कि 2014 में भारत से पैलेस्टीन तक उनके नॉन फिक्शन एसे का संपादित वॉल्यूम यानी एडिटेड वॉल्यूम एसेज इन सॉलिडिटी पब्लिश हुआ था ठीक है जिसमें उनके काफ़ी एसेज शामिल हैं जैसे कि मीना अलेक्जेंडर एजाज़ अहमद नैन तारा सहगल ये सारे जो भी निबंध शामिल हैं उसमें नेक्स्ट पॉइंट हर सिक्स नावल आई हैव बिकम द टाइड वॉज पब्लिश इन टू एंड इज़ द थर्ड विद अ फोकस ऑन कंटेप्रेरी इंडिया उनका सिक्स नावल आई हैव बिकम द टाइट 2019 में पब्लिश हुआ और यह समकालीन भारत पर केंद्रित यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया पर केंद्रित तीसरा नॉवल है नेक्स्ट पॉइंट हरिहरन को एडिटेड द था 2019 थाउजेंड कलेक्शन बैटलिंग फॉर इंडिया अ सिटीजेंस रीडर विथ सलीम यूसुफ जी uh, हरिहरन ने सलीम यूसुफ जी के साथ 2019 एसे ऐसे कलेक्शन बैटलिंग फॉर इंडिया द सिटीजन्स रीडर का को एडिशन किया नेक्स्ट पॉइंट हर वर्क्स हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इन टू डच फ्रेंच जर्मन ग्रीक इटालियन स्पैनिश, मलयालम उर्दू इनके वर्क्स इन सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए नेक्स्ट पॉइंट इनके वर्क्स के बारे में है इनके वर्क्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। द थाउजेंड फेसिस ऑफ नाइट सेकंड, द आर्ट ऑफ डाइंग थर्ड द गोस्ट ऑफ वसू मास्टर फोर्थ वेन ड्रीम्स ट्रेवल फिफ्थ द टाइम्स ऑफ सिक्स आई हैव बिकम द टाइट ये उनके वर्क हैं एट लास्ट हर फ़र्स्ट नोवेल द Thousand Faces ऑफ़ नाइट won the commonwealth prize प्राइज राइटर प्राइज़ फॉर बेस्ट नावल इनकी जो पहली नोवेल थी द Thousand Faces ऑफ़ नाइट इस वर्क ने कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज जीता